ऐसा आप खड़े हो दोनों आदमी, खड़े हो आप लोग, खड़े हो। हम जब ऐसे राजी नहीं हुए तो तुम दोनों हमको मार मार के राजी कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा कमीनापन, ये जलालत। अरे आप पहले से अगर राजी हो जाते हाँ। तो नौबती क्यों आती? मतलब तुम चाहते हो ये? तो क्या हुआ? नहीं क्यों, ये नहीं। अरे कुछ बताओगे? किसने हमको मारा? किसने मारा हमको? किसने मारा तुमको? मारा क्या हाँ। मालूम किसने मारा, हमारे खुद मारा। हाँ यार हमारे भी मारा है। तुम्हारे मारा? और क्या, तुम्हारे मारा? हाँ मारा है। जंगल है, चुड़ैले होंगी, हो सकता है कोई जानवर हो, परंदा हो, प्रेत आत्मा होगी। आप लोग सो जाइए, हम बैठते हैं। आने दे इसकी माँ का चुड़ैल मारूं, अब के देखता हूँ। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, क्या हम बचे फालतू। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, क्या हम बचे फालतू। कौन है आप लोग? आप कौन है? आप लोग कौन है? माल अच्छे यार। आप लोग कौन है भाई, यहाँ कैसे आए? हम मर्द हैं, ये दोनों जनाने हैं। पहले ये बताइए, ये श्री सहजादी का बाग है, आगे आगे। आप लोग यहाँ कैसे अंदर आए? क्यों यहाँ मर्द नहीं अंदर आते? क्यों मर्दों के हिलाओ नहीं है? क्यों, कोई बोर्ड लगा क्या? बाहर लगा। कहाँ? बाहर। वो जहाँ बोर्ड लगा है ना, आपके बोर्ड के ऊपर बड़ी बड़ी घास खड़ी है, तो हटा के देख लेते। इतना टाइम लेके हम घास छीलते घूमेंगे। दरवाजा खुला देखा घुसे आए। आप लोग कौन है? सौदागर। हम लोग सौदागर। हम सौदागर है, ये दोनों हमारे चमचे हैं। ये कौन है आपकी? क्यों आपसे क्या मतलब? हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? सामान ठीक है? सामान ठीक है। ये आपकी बहन है? क्यों मैं पूछ रहे हैं। मतलब क्या आपका? मतलब मेरा दो में कोई तैयार हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या है, मैं तैयार हो जाए? अरे बातचीत करने के लिए यार। हम लोग मर्दों से बात नहीं करते, समझे? हमारी हुजूर जो है ना हाँ। वो मर्दों से बहुत नफरत करती है। तुम्हारे हुजूर और तो मर्दों नफरत करती है हाँ। तो तुमको तो मर्दों से प्यार होगा? नहीं तो क्या हिंदुओं से प्यार है क्या? कमाल का, चुप रहो यार, बोला मत दीजिए, बात करिए। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सोच रही है, हैं? अरे बात क्या है? कुछ दिमाग में आ नहीं रही बात। आ जाएगी, हमारा हाथ पकड़ो। क्यों? ए, बदतमीजी ना करना। नहीं करेंगे कहाँ, कुछ देख रहे हैं। देखिए जो हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए। क्या? मेहरबान मन आपको हो चाहे तकलीफ, बाग जनाने से मगर ले जाओ तशरीफ। श्री अगर कहीं सुन ले तो मुश्किल होगी जान बचाने। कहती हूँ समझाए, सुनो अब कहती हूँ समझाए, कि तुमने बहुत नादानी श्री। हमारी मानो कही तो जना, खाली करो तो सिताब, चमनिए खाली करो तो सिताब, कि तुमने बहुत नादानी सी। समझे? बात करो, बात करो, बात करो।
मालिनुमा है जमाल, कैसे मैं जाऊं चला बिका न कुछ भी। तुम्हारे माल के हम लोग ठेकेदार है क्या? एक बात सुनिए, आप नाराज ना होइए, मेरा सामान लेगी फायदे में रहोगी। कौन सा सामान है तुम्हारा? बहुत कीमती सामान मेरे पास है। अच्छा हाँ, आप क्या कर? हमारे पास है तस्वीरों का व्यापार नहीं। आप मेरी बात सुनेंगी? जब से तेरे दिल में सीरी का है खतर मालिन, बेधड़क कर दे मेरे आने की खबर मालिन। और सुनो, और मालूम क्या है? तूने मेरे आने की जोगती खबर, 20 गिन्नी लई नाम में तू नजर, और दिल से कोशिश अगर तूने मेरी करी, दिल से कोशिश अगर तूने मेरी करी, और भी दूंगा तुझको मैं माल उजर। कितना तुम्हारे पास माल है? बहुत माल है। कितना माल है? तुमको सीधी सजादी क्या देती है? एक एक गिन्नी। एक गिन्नी? एक गिन्नी आपको, एक गिन्नी आपको रोज रोज। हाँ, हम तीन आदमी हैं। हाँ, तीन घोड़े हैं। घोड़ों का क्या करें? हम तीनों की व्यवस्था करो और तीनों घोड़ों की व्यवस्था करो, दो दो गिन्नी रोज लूं। इस गुलिस्तान में सिरी अब आपकी एक घड़ी भर भी होगी गुजर ही नहीं। जाइए आप तशरी बुले जाइए, मेरे कहने में समझो पसरी। मुल्क अरबल की शहजादी वो है, अगर मैं यमन का हूँ बासिंदा, सुन बे खबर, खाली हाथों चला जाऊं कैसे यहाँ, जबकि तय करके आया हूँ। ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप हम लोग के तीनों आदमी के रहने की व्यवस्था कर दीजिए और तीनों घोड़े के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दीजिए, हमसे इनाम लीजिए, आप खबर कीजिए। लेकिन सुनिए, हमारी हुजूर जो है ना जी, वो मर्दों से बहुत नफरत करती है यार। आपके पास जो भी सामान है हाँ, हाँ। वहाँ दिखाइएगा नहीं मर्दाना सामान। देखिए, मर्दाना सामान खाली मेरे पास है, इनके दोनों पास सब चलाना सामान है। पहले आप पीछे हटिए दोनों लोग। तुम पीछे हट, आप पीछे हटिए आप। हम हाँ, तुम ज्यादा कुछ बोल रहे हो। हम ज्यादा बोले, आप इधर आइए। ये बताइए जी, तुम तीनों मालिक कौन हो? मालिक आपको पता नहीं चला? कौन मालिक हो सकता है? इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम मालिक हैं। पीछे हटिए, आप आइए जरा। ये बताइए तुम तीनों मालिक कौन हो? मालिक हम हैं। पीछे हटिए, आप इधर आइए। ये बताइए, वाह स्टाइल आपकी क्या बढ़िया। स्टाइल का तो पूरा है तुम समझते। ये बताइए जी, ये तीनों में मालिक कौन है? मालिक ऊपर वाला है। ऊपर वाला नहीं? हाँ, सामान का मालिक। अपने अपने सामान के सभी मालिक होते? वो जो आपके पास सामान है उसकी हम बात कर रहे हैं। आप वही तो अपने सामान के मालिक हम हैं। आप हैं जी? हम मालिक हैं। ठीक है, ये दोनों नौकर हैं आपके। इनकी शक्लें देखिए। हाँ हाँ, ये साले मालिक काबिल है? नहीं नहीं, ये कलर देखिए। हाँ, डिजाइन देखिए, कपड़े देखिए, सामान पूरा सामान देखिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मालिक हम हैं। आइए मालिक, ये नौकर। अभी खुद पता चल जाए कौन मालिक है। चलो चलिए, आप लोग चलिए चलिए। सामान उठाओ, सर पे रखो। मेरी बात सुनो, तुम भी कभी जवान रहे होगे। हाँ, है ना? हाँ, है ना? हाँ, अब थोड़ी देर की बात है। क्या? 5 मिनट की बात। हाँ, ये सामान उठा लो, वो पीली वाली हमसे फंस रही है। हम सामान उठाएंगे, चल भैया। चलिए, हाँ बढ़िए, हाँ बढ़िए, यहाँ बढ़िए। अरे चल रहे भाई, क्या बात है? ये सामान उठा ले यार, इज्जत की बात है यार। तो मुसीबत में डाल दिया और दूसरे अपना सामान खुद जिम्मेदार हो, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा बेटा रुको, अभी बताऊंगा। चलो
चलिए भाई चलिए, सामान उठाओ। हाँ चलिए 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 चलिए। यार आप तो कह रहे थे मालिक हमें। जी हाँ, सामान तो आप लिए। आप कुछ पढ़े लिखे नहीं लगता है। हाँ हाँ सही है, जगह जगह लिखा हुआ होता है। क्या लिखा? अपने सामान की हिफाजत खुद करिए। सही है, ये सारे नौकर लेके भाग जाते, कौन जिम्मेदार बनेगा? हाँ सही है, चलिए 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 आइए। सुनिए आप लोग इधर आइए, आप लोग की रुकने की जगह बता दें। जी आप भी चढ़िए। हमसे बड़ी नफरत है भाई। आप दोनों रुकिए तहखाने में, जाइए। दोनों इस काबिल ही नहीं, जाओ तहखाने में जाओ। आप इधर आइए। जी आप रुकिए पैखाने में। कोई और जगह नहीं खाली है? नहीं। आपके यहाँ कोई जगह खाली है? हम जो कर रहे हैं सुनो हमारी बात। जी हमने आपसे क्या कहा? क्या खाली फिर तुम ही हो? हाँ। कहाँ रुके? पैखाने में। सामान वहीं रखिए तुम्हारे तहखाने में। हेलो हाँ जा रहे हैं आप, परेशान क्यों हो रहे? मैं जा रहा हूँ, आप नाराज मत होइए, मैं ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करूँ। जा रहा हूँ भाई। किसी मुल्क के 3 सौदागर हाजिर होना चाहते। उन्हें बाइज्जत हाजिर कर। आइए सौदागर साहब। सौदागर साहब, क्या क्या तोहफा चीज तुम रखती हो तज्जार, दिखलाओ हम खरीदें जो शेह उधर का। बहुत अच्छा हुजूर। सामान दिखाओ ना। अरे यार दिखाओ, इनाम मिलेगा। नाश्ता कराया था, इनाम मिलेगा। नाश्ते की बात कर रहे हो? ये क्या है? ये अल्लाह मियां से मिलने का सामान है। हुजूर ये अल्लाह मियां से मिलने का सामान है। इसको पहनने के बाद अल्लाह की इबादत की जाती है। और इससे एक काम और है। क्या? इसके पहन को निकल जाओ तो कभी नंगे भूखे नहीं रहोगे। सौदागर साहब जी, कोई और चीज दिखाइए जो हमारे मुल्क में नहीं होती है। ऐसी कोई चीज दिखाइए आप। ये क्या है? ये आधे धड़ का नकाब है। हुजूर ये आधे धड़ का नकाब है किस काम में आता है? इसको पहन के पहना जाता है। इसे इसको पहना जाता जी। और किस काम में आता है? और बताते हैं, पकड़िए। ये पैरा सूट भी है और चांदमारी का सामान है। किस तरीके से होती है इसमें चांदमारी? जब कोई जवान भर्ती किया जाता है तो निशाना यहाँ लगवाया जाता है। अगर गोली पार हो गई तो जवान भर्ती, दहने वाले लग गए रिजेक्ट। हुजूर हमारे यहाँ तो पहना नहीं जाता है। इससे कहो पहन के बता। पहन के बताओ। ए लो पहनो। ए क्या कर रहे हैं? अरे भाई बताओ ना आप। आपको बोला पहनने के लिए। हम पहने? हाँ। नाश्ता कराया था? आ रहा। आ रहा और क्या, पहन के तैयार हो, नाश्ता आ रहा। या अल्लाह कहाँ फंस गए यार, इसको पहनना पड़ेगा। हाँ पहनो। अरे अल्लाह रे, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, फंसा दिया मुसीबत में। तेरा क्या हो गया? अब क्या करना पड़ेगा? हैं?
अरे अल्लाह ने ये क्या बवाल है। अरे 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 इधर इधर भी ला। भैया जो हमको देख के हंसे अल्लाह करे वो भी इसी मुसीबत में फंसे। अब क्या करना होगा? नाचो। है नाचे? नाच के दिखाओ। अरे चोली तंग हुई बालम चोली, अरे चोली तंग हुई बालम मैं जवान हो गई। चोली कान ना पकड़िए। फिर क्या पकड़े? कोई और सामान पकड़े जिससे आपको तकलीफ हो। सौदागर साहब ये आपने क्या छिपा लिया? हुजूर मैंने तो कुछ भी नहीं छिपाया। ध्यान लगा सुनना मेरी सौदागर तकरी दिखला कर क्यों ली छिपा आपने ये तस्वीर। क्या छुपा लिया आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपा लिया सरकार, खामा खा के वास्ते करती हो लाचार। सरकार आपके पास तस्वीर है? देखो वो फो बड़े खूबसूरत फोटो है हुजूर, है ना अच्छी। लेकिन हुजूर तस्वीर आप तो मर्दों के नाम से बहुत नफरत करती थी, इसको देखते हुए सो गई। हाँ यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये तस्वीर देख के मुझे क्या हो गया। लेकिन सौदागर साहब जी तक लिया, आज आप लोग शाही मेहमान हैं, आप बाहर जाइए। नक्शन तुम्हें पसंद है ना तस्वीर? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। हुजूर क्या कहने हैं? लेकिन पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता मुझे हो क्या गया ये तस्वीर देख के। मैं भी यही सोच रही हूँ। बैठी बिठाई मुक्ति का आजारी हो
दुश्मन हमारी जाने का तज्जारी हो। बचा लिया, बचा लिया ना, तो अभी तो 20 से आधे हो जाते। तो अपने मतलब लिए बचाया है। सौदागर साहब, ताजी ने जिनका फोटो बतलाओ नाम इनका, किस शहर में मकान है और क्या है काम इनका, जल्दी बताइए। ये शाह खुसरू नाम है, खुल की मिल्कियत है। अच्छा, ये खुद बादशाह है जी। तो मैं आपके हुजूर से मिलना चाहती हूँ। नसर पूछो मुझे कितने दिन में मिला देंगे। हमारे हुजूर को कितने दिन में मिला सकते हो? पहले ये सामान तो हटाओ, इसी से काम लेंगे तभी तुम सुधरोगे। ये मान लो 10-15 साल लग जाएंगे। अरे हुजूर, कह रहा है 10-15 साल लग जाएंगे। जल्दी 20 साल। अच्छा, कितनी देर में मिल सकते? 6 महीने में। और कितनी और देर बताइए। आप मेरे साथ तशरीफ ले चलिए। अभी चले जी? चलिए। लेकिन हुजूर, अगर हमने आपको उनसे मिला दिया तो मुझे कुछ नजराना इनाम? हाँ, नजराना। चलिए वहीं देखा जाएगा। आइए चलिए। ए हवा मेरी संगी संगी चली, मेरे दिल में हुई हलचल। ए हवा मेरी संगी संगी चली, मेरे दिल में हुई हलचल। हमको भी लग रही है। ले लिमका चूसो। हुजूर, चुप रहो यार। सुनो, आपके लिए पानी नहीं है, मैं हम मुझे लिमका पिला रहा है। ऐसा क्यों? आप ही को अपनी औकात पर रहने चाहिए। आपने हुजूर को खबर करी है जी? आप तसल्ली फरमाइए। जा दोनों चमचो, आइए हुजूर। बहुत खूबसूरत आपकी तस्वीर थी, अरे इतनी पसंद आई कि देखिए आपकी तस्वीर देख के हम यहाँ तक चले आए। तस्वीर तो आपकी थी जिसने हमें इतना बेकरार कर दिया कि हम अपने होश आवाश में नहीं रहे, आपकी यादों में डूबे रहे। सच बताते हैं, तस्वीर लोग की अच्छी, तकदीर मेरी खराब है।
अरे हुजूर आपने कुछ हमसे वादा किया था, आपका बगीचा बहुत खूबसूरत। क्या बगीचा है, क्या बगीचा है, सारी घास ऊपर लगा दी थोड़ी है। देखिए अरे हुजूर कितना अच्छा बगीचा है। अरे मुझसे कुछ ए चुप रहो, अंदर जब टीवी चल रहा तो मेरा मेरी हुजूर बात कर रही है, यही मौका है। चुप रहो यार तुम। अच्छे तो आप हैं, आप अच्छे हैं, आपकी कहानी भी अच्छी। हाँ आपका लड़कपन भी अच्छा, आपकी जवानी भी अच्छी। हम ऐसी बात, अगर हम भर गए तो मेरा बुढ़ापा भी खराब है। ओफो। अरे ओफो क्या बहुत बोलते हो, बोलने का पैसा लेता हूँ। हुजूर माय बाप सरकार अन्नदाता, क्या है, आपने मुझसे कुछ वादा किया था। वादा, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ ख्याल नहीं। सही है, मतलब निकल गया, पहचानता कौन है ना सरकार। अंदर महाभारत हुआ तो मेरे रामायण कौन देखेगा सरकार। क्या है, आपने कुछ कहा था मुझसे। क्या कहा था। आपको अगर सरकार से मिला देंगे तो मुझे आप कुछ इनाम देने को कह रहे हैं। इनाम के लिए। जी 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 बताइए क्या चाहिए आपको। कैसे कहे क्या चाहिए, मांग लो, यही मौका है। तुम चुप रहो, तुम्हारी शक्ल खराब है। बताइए सौदागर साहब क्या चाहिए। हुजूर मैं इशारा करूंगा। इशारा, मेरी उंगली जहाँ रुके वही सामान चाहिए मुझे। लेकिन मुँह से तो बताइए पहले आप कुछ। मुँह से बोलो। मुँह से क्या बोले हुजूर, मुँह से बोलने में घबराहट हो रही है। नहीं, नहीं। बोलो आप बताइए, घबराइए मत। जी क्या बोले है, आपके साथ इंसाफ होगा, बेइंसाफी नहीं होगी, आप बताइए। सामान सामान तीनों ठीक है, कौन सा मांगे, ये तो समस्या। हुजूर गुस्ताखी माफ। बोलिए। यहाँ आइए, आपका क्या नाम है, नाम क्या है आपका। मेरा नाम नहीं कुछ। पीछे हटो बेनाम, इधर आओ सामान। क्या है आपका नाम है, आपका नाम ठीक है। नहीं चमीनम। चमीनम हाँ। क्यों खड़ी हो कमीनन के बीच में, पीछे हटो। ये सामान ठीक ठाक है, इधर आइए आप। उफ, वो बड़ा कीमती हार पहने हुए यार, क्या नाम आपका है, हैं गूंगी है, बहुत फायदा है, गूंगी है, कितनी बदतमीजी करो शिकायत नहीं करेगी कोई, अगर पुलिस का मैटर फंस गया पुलिस वाले पूछे क्या हुआ मन क्या करेगी। राठौरी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे, कोई केस नहीं लगेगा। जा पीछे जाओ, क्या मुसीबत है यार। अब क्या चाहिए। हुजूर मैं उंगली से इशारा करूंगा। उंगली, अब तो इधर तो आपका इशारा खत्म ही हो गया। जी जी, अब एक हम ही बचे कहीं, आपका इशारा इधर ना। नहीं गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, इतनी मेरी औकात कहाँ है। फिर क्या चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ ना। बोलिए। हुजूर मुझे वो चाहिए, हम एक से दो होना चाहते हैं। इसे एक से दो कर दो। नहीं मेरी हत्या ना करो। ये क्या करें, हम अकेले हैं ना। अकेले हो। हाँ हमको वो अच्छा, ये भूखा है, चलो खाना खिलवा दो। खाना मत खिलाओ, खाना बनाने वाली चाहिए। अरे अपने बावर्ची खाने में जो वो बुढ़िया है ना 80 वर्ष की, वो इसे दे। उससे अच्छी तुम्हारी अम्मा है। तो फिर क्या, हम सर्दी का सामान चाहते हैं। हुजूर सर्दी का सामान, रजाई बनवा दो। चलो रजाई मेरे पास है, लुगाई नहीं है। लुगाई क्या होती है, ये क्या। हुजूर आपके देश में नहीं जानते, हमारे यहाँ जानते, हम इशारा करके बताते। बता दो, तुम इशारा करके बता। बड़ी मुसीबत है, कहाँ जाए। तौ 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 आओ हम हुजूर के खास सहेला हैं। अगर ये आपके साथ जाने को राजी हो। नहीं हुजूर, हम नहीं जाएंगे। क्यों, ये काला है और तेरा भाई मेरा साला है, ये मुझको रखेगा कहाँ, इसके खुजली है। मल्लम डिबिया तेरे पास है,
ये 7:45 है। 8:15 देख लो, चेक कर लो। हुजूर ये मुझे रखेंगे कहाँ? अपने ऊपर देखिए। मतलब? मतलब हुजूर मेरा मकान दो, मेरा घर जो है ना 2 मंजिल का है, नीचे हम लोग रहते हैं, इसको ऊपर रखेंगे। सौदागर साहब जी, अभी आप फिलहाल ले जाइए नश्वरन को जी, लेकिन जब तक आपका महल तैयार नहीं करवा देते हम जी, तब तक नश्वरन हमारे साथ। आपकी जरूरत मामा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मेरे लिए मकान बनवाएंगे, हम तो सोचे किसी धर्मशाला में पड़े रहेंगे तब तक। देखिए ऐसी बात नहीं, तो हम इनको ले जाएं? बिल्कुल ले जाइए। चलिए हुजूर, आज मैंने आपकी बात मान ली, एक दिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। वक्त आने पर देखा जाएगा। समय की बात है, समय बलवान है, आओ। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। बहुत खूबसूरत आपकी तस्वीर। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, क्या आपको चुन चुन कर परवरदिगारे आलम ने बनाया है। श्री शहजादी साहिबा, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बोलिए। तू ही है जाने मल अपनी, तू ही चैनो अमल अपना, तू ही है जाने मल अपनी, तू ही चैनो अमल अपना, और फिदा दिल कर चुका मैं आप पर नाजुक बदल अपना, फिदा दिल मकान पीना चमड़ अपना, कहूँ क्या गुल बदन अपना, तेरी फुर्कत में छोड़ा जाने मन हमने वतन अपना, तेरी फुर्कत में छोड़ा जाने मन हमने वतन अपना, मेरी फुर्कत में छोड़ा अपने लर्चे वतन अपना, घर बना कर जी निकल अपना, तो इस दिल में रहो जुनू के जोश में आके, कहूँ क्या कैफियत दिल की बदल डाला, सभी चालो चलन अपना बदल डाला, तेरी फुर्कत